अब क्या बन गई है, एफएस होती है। तो ये आपको समझना है कि क्या होती है कि केमिकल चेंज। अब आपको ये भी देखना है, मैंने थोड़ी बहुत एग्जांपल समझाई आपको कि केमिकल चेंज में क्या होता है। जब भी केमिकल चेंज होती है, आपको याद रखना है, जब भी कोई केमिकल चेंज होती है, केमिकल चेंज याद रखिएगा, जब भी कोई केमिकल चेंज होती है, ये मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी क्या होती है, ये इरिवर्सिबल हो भी सकती है, क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल है, याद रखो। इसके बाद जो यहां पे केमिकल चेंज में क्या होता है, वन और मोर देन वन न्यू सबस्टेंसेस फॉर्म, यहां पे नए सबस्टेंसेस बनते हैं, इस फॉर्म। और याद रखिएगा, ड्यूरिंग केमिकल चेंज जो विजुअलाइजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ भाई केमिकल चेंज हो रही है, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रही है, ना कि क्या फिजिकल चेंज, वो विजुअलाइजिंग फीचर्स क्या है एक केमिकल रिएक्शन के, वो आपको याद रखना है। हीट या लाइट अगर क्या हो गई इवॉल्व, अगर हीट पैदा हुई या हीट एब्जॉर्ब हुई, इवॉल्व और एब्जॉर्ब, अगर हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई बड़े पैमाने पे, लार्ज ऑन लार्ज स्केल, तो आप क्या कहोगे, केमिकल चेंज। अगर लाइट भी प्रोड्यूस हो गई तो आप क्या कहोगे, केमिकल चेंज। इसी तरह अगर साउंड निकली बाहर तो आप क्या कहोगे, केमिकल चेंज। इसी तरह अगर गैस कोई बना, गैस फॉर्मेशन अगर हुई, तो आप क्या कहोगे, केमिकल चेंज। अगर कलर में तब्दीली आई, कलर चेंज अगर हुई, इस तरह यहाँ पे आपने देखा तो से क्या बन गया, ग्रीन, समझे, कलर चेंज तो केमिकल चेंज। इसी तरह अगर चेंज इन स्मेल, अगर स्मेल में भी क्या आ गई तब्दीली, तो उस टाइम भी आप क्या कहोगे, शाबाश केमिकल चेंज। या अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ तो तब भी क्या कहोगे आप, केमिकल चेंज। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सपोज कलर चेंज अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया इसके एग्जांपल, तो अब साउंड चेंज भी मैं बताऊंगा, गैस फॉर्मेशन भी हो सकती है, हीट लाइट ये भी हो सकता है, स्मेल भी चेंज हो सकता है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। तो इनकी एग्जांपल्स मैं भी आपको अभी समझाऊंगा। पहले मैं लिखूंगा, बिफोर डिस्कसिंग दीज केमिकल चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द, बिफोर दीज, बिफोर डिस्कसिंग दीज विजुअलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट आर अंडरगोइंग ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, लेट मी डिस्कस हियर फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। यहाँ पे मैं बात करूंगा पहले किसकी, केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करेंगे। सबसे पहले क्या होती है, ये इट इज अ परमानेंट चेंज, इट इज अ परमानेंट, इट इज अ परमानेंट चेंज। दूसरा, इट इज 98% इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, 90% इरिवर्सिबल होती है। तो यहां पे एनर्जी क्या, शाबाश, एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन होता है, टेक्स प्लेस प्लेस ऑन लार्ज स्केल।
याद रखिएगा, ये भी मैंने बताया ये क्या होते हैं, ये 98% रिवर्सिबल होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म्ड, यहाँ पे नए सबस्टेंसेस बनते हैं। और केमिकल कंपोजिशन जो होती है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टिंग सबस्टेंसेस चेंजेस, ये आपको याद रखना, क्योंकि पहली वाली एग्जांपल मैंने दी उसमें क्या हो गया, शबक्स में कलर चेंज हो गया, वो आपने देखा वहां पे। सपोज अब मैं आपको दिखाऊंगा एवोल्यूशन ऑफ गैस, कभी कभार किसी केमिकल चेंज में क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। सपोज अगर आपने क्या लिया, अगर आपने इस बीकर में क्या लिया, शाबाश, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर इसमें क्या डाला, शाबाश, जिंक मेटल, क्या डाला, जब आप यहां पे ये रिएक्शन करते हो, जिंक सॉलिड प्लस क्या HCl, तो इनको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। यहाँ पे एक नया चीज वजूद में आता है, ZnCl2, और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये एक्वास्फॉर्म में होता है। जब भी किसी एक्वास्फॉर्म में से क्या हो जाएगा, गैस बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ये जो गैस है ये इस सॉल्यूशन से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ क्या, बबल्स, और जो वो पॉपिंग साउंड लाइक साउंड प्रोड्यूस हो जाता, तो यहाँ पे साउंड भी प्रोड्यूस हो जाती है और यहाँ पे बबलिंग भी हो जाती है। और वो बबलिंग क्या होती है, वो बबलिंग ऑफ गैस थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एफर्विसेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, एफर्विसेंस। तो ये है एग्जांपल किसकी, छावा, जिसमें क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस जिसमें होता है, और इसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या, शाबाश, H2 गैस द फॉर्म ऑफ पॉपिंग साउंड बाहर निकलता है। जब भी किसी सॉल्यूशन या लिक्विड में से गैस इवॉल्व होगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, बबल्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफर्विसेंस। याद रखिएगा, जब भी किसी सॉल्यूशन या किसी लिक्विड में से गैस इवॉल्व होगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, बबल्स, दैट इज कॉल्ड इफर्विसेंस, इफर्विसेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, इफर्विसेंस, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया। या इसी तरह अगर आप और एक रिएक्शन लोगे, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लूंगा और एक रिएक्शन जहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो जाता है, सब अगर मैं अभी लूंगा यहाँ पे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर इसके साथ HCl को मिलाएंगे, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, या इसको सॉलिड लेंगे, ये एक्वस फॉर्म में लेंगे, डैट इसको पानी में पहले डालेंगे, फिर उस पानी वाले ऐसे में क्या डालेंगे, NaHCO3, वहाँ पे क्या बन जाता है, एक तो वहाँ पे बन जाता है NaCl, और क्या बनता है, वाटर, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, यहाँ पे भी गैस निकलता है, तो ये भी क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे भी बबलिंग हो जाती है, तो ये इंडिकेट करता है क्या, शाबाश, केमिकल चेंज हो रही है। इसी तरह आप चेंज ऑफ स्टेट भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया फिजिकल चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज हो सकती है, उसमें स्टेट भी चेंज हो सकती है। सपोज अब अगर मैं अभी यहाँ पे क्या लूंगा, वाटर, जिसकी फॉर्मूला क्या है, H2O, ये लिक्विड है, अगर इसमें से क्या, इसमें हम क्या डालेंगे, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये समझो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आप H2SO4 भी डालोगे, और क्या दोगे आप बाहर, इसको इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाता है, और क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस, ये क्या था, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे क्या बन गया, गैस, यहाँ पे भी क्या बन गया, गैस, तो दैट मीन स्टेट भी चेंज हो सकती है, किसमें, शाबाश, केमिकल चेंज में। इसी तरह मैंने आपको बताया था कलर चेंज हो सकता है, तो उसकी एग्जाम्पल मैंने आपको दी। और इसमें आप और एक चीज याद रखोगे, और एक एग्जाम्पल अगर आप याद रखोगे, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3, अगर इसको देखा जाएगा, ये लिक्विड होता है, सॉरी,
कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर होता है, ये सॉलिड होता है। जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, देखना हमने यहाँ से ही हीट दी इसको। जब भी हम किसी चीज़ को यहाँ से ही बाहर से ही हीट देते हैं कोई रिएक्शन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मी। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जहाँ पर दो सबस्टेंस से रिएक्ट हो जाते हैं और वहाँ से ही एनर्जी बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मी। सपोज जब हम इसको हीट अप करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड CuO, ये ब्लैक कलर का होता है। और क्या निकलता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकलता है, ये भी गैस। ये एंडोथर्मिक है क्योंकि हमने यहाँ से ही हीट। इसी तरह अब समझ आया होगा आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी केमिकल चेंजेस जिनको, जिन केमिकल चेंजेस को अंजाम देने के लिए हमें यहाँ से क्या देनी पड़ती है, बाहर से हमें क्या देनी पड़ती है, हीट सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। सपोज यही एक एग्जाम्पल है, आप ले सकते हो। या और एक एग्जाम्पल मैं ले लूंगा, CO3, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल या चॉक जिसको आप बोलते हो। अगर आप इसको क्या करोगे, ही कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो एक तो यहाँ पे स्टेट भी चेंज होता है, कलर वगैरह सब चेंज होता है, और दूसरा ये कि हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। इसी तरह कहीं कभी कभार एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, दैट मीन वहां से एनर्जी बाहर निकलेगी। सपोज अगर आप HCl एक्वस, पहले इस एसिड को किसमें डालोगे, पानी में थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा NaOH किसमें डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, किसमें डालोगे, पानी में। तो क्योंकि आपको पता होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें क्या एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, और वहां से क्या निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl एक्वस वाटर, और क्या निकलता है यहाँ पे, एनर्जी। तो जब वहाँ रिएक्शन से ही बाहर निकली एनर्जी, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। जब भी किसी रिएक्शन में वही से एनर्जी बाहर निकलेगी, बाहर की ओर आएगी। सपोज अगर आप क्या करोगे, HCl एक बीकर में लोगे, NaOH दूसरे बीकर में लोगे, फिर दोनों को एक बीकर में क्या मिक्स करोगे, तो ये बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा या हीट अप हो जाएगा। तो हीट अप होना है क्योंकि इस रिएक्शन से उधर से क्या निकले, एनर्जी बाहर, हमने कोई यहाँ एनर्जी नहीं दी, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रेसिपिटेट भी बन जाता है। दैट मीन्स अगर आप दो एक्वस सोल्यूशन को आपस में मिलाओगे तो वहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है जो इनसॉल्युबल फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सपोज अगर मैं यहाँ पे लूंगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस प्लस, शाबाश, यहाँ पे लेंगे हम KCl एक्वस, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको आगे पढ़ना है। यहाँ पे एक तो AgCl बनता है, ये प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट नीचे आ जाता है, और क्या निकलता है, KNO3 सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट है एक्वस। देखो क्या हो जाता है, सपोज आपने इन दोनों को आपस में मिला के एक ही बीकर में क्या किया, मिक्स किया। जब आपने इन दोनों को एक ही बीकर में क्या किया, मिक्स, तो नीचे क्या बन गया, AgCl, ये सॉलिड फॉर्म में नीचे आ गया, और ऊपर क्या रह गया, एक्वस फॉर्म में KNO3। तो जो ही नीचे रह गया, ये कौन है, AgCl, ये कैसा होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। इसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, चेंज ऑफ एनर्जी भी आ गया, जिसमें इसमें एक्सोथर्मिक चेंज भी हो सकती है, एंडोथर्मिक चेंज भी हो सकती है। तो ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम केमिकल चेंज में जबरदस्त एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रशिंग ऑफ आयरन। वो हम नेक्स्ट लेसन में लेक्चर में पढ़ेंगे, और वही पे हम क्या पढ़ेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ेंगे, यहाँ सिंपली क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर लॉट।